लिंग में कठोरता नहीं आती है तो पुरुष क्या करता है, इसके बारे में बताऊंगा आज। क्या था कि लिंग में कठोरता आती नहीं है उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं, नपुंसकत्व भी बोलते हैं, लैंगिक कमजोरी, लैंगिक दुर्बलता ऐसे भी नाम है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या इम्पोर्टेंस है। अभी ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है कि उसको एक तो इच्छा ही नहीं हो रही करके लिंग में कठोरता नहीं आ रही है, दूसरा इच्छा हो रही है मगर कठोरता नहीं आ रही है दूसरा कारण, तीसरा कठोरता आती है मगर जितना चाहिए उतना कड़क नहीं है, चौथा कड़क हो जाता है मगर अंदर डालने के पहले ही वो लूज हो जाता है, और पांचवा सेक्स चालू करने के बाद में लूज हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग स्टेजेस है, अलग अलग स्टेजेस में कोपिंग मैकेनिज्म्स अलग अलग है। तो जब ऐसे प्रॉब्लम आते हैं तो आदमी क्या करता है, पुरुष क्या करता है, वो क्या करता है कि वो अपने पत्नी से ये छुपाता है, और वो सरासर गलत है। देखो ये बीमारी है, इसको नाम है समागम, सम आगम मतलब दोनों ने आना है और दोनों ने काम करना है। जितना ज़्यादा वो छुपाएगा उतना ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगा। लोग क्या करते हैं कि लोग सेक्स के ऊपर काम करते हैं, ऊपर काम करने वाले चलो आज करके देखते हैं, फिर मैनिपुलेट करके देखेंगे, फिर चलो मसाज करके देखेंगे, फिर कोई पॉर्न मूवी देख के करेंगे, या बाहर जाके टेस्ट करता हूँ देखता हूँ, मतलब ऐसा कुछ ना कुछ सेक्स के ऊपर काम करता है, बोलता मैं आज ट्राई करके देखता हूँ कि होता कि नहीं होता। ये ट्राई करके कैसे सेक्स होगा, ट्राई करके सेक्स नहीं हो सकता है। किसने बोला मैं खाना खाने का ट्राई करता हूँ, मतलब क्या करता है, ट्राई करना, खाना थोड़ी है, खाना ट्राई करना नहीं हो सकता। किसने बोला मेरे को नींद आने का, मैं बहुत कोशिश करता हूँ ना, लोग आते रहो सब, मैं नींद की बहुत कोशिश करता हूँ नींद आती नहीं, मतलब नींद कोशिश करने की चीज़ है नहीं कि नींद आने के लिए बहुत कोशिश करना है, बहुत कोशिश करना है बाद में नींद आएगी, करने नहीं पड़ता, उल्टा कोशिश नहीं करना पड़ता है तो नींद आ जाती है। तो वैसे सेक्स का है कि सेक्स के ऊपर काम करना नहीं है, काम करना है पार्टनर के ऊपर, काम करना है एन्जॉयमेंट के ऊपर कि मुझे एन्जॉयमेंट कैसा ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो ये पहला ये है कोपिंग पैटर्न कि भाई आदमी करता क्या है कि जब उसको इरेक्शन नहीं आता है क्या करता है, नंबर एक कि वो सेक्स के ऊपर काम करता है, ट्राई करता है, वो करने का नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, सेक्स टालना चालू कर देता है, औरत को बोलेगा आज क्या पेट ठीक दर्द कर रहा है, परसों क्या ऑफिस में ज़्यादा काम हो गया, नर्सों क्या मूड ठीक नहीं है, फिर अभी क्या बुखार जैसा लग रहा है, ऐसा कुछ ना कुछ कारण बनाएगा, बहाने बनाते जाएगा। तो पहले पहले औरत को लगता है कि ठीक है भाई गड़बड़ होंगी, तबीयत ठीक नहीं होंगी, मगर जब बार 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 बहाने बनाता है तो फिर औरतें हमारे पास में अपने हस्बैंड को लेके आती है, बोलती है इसका इलाज करो भाई, ये तो बिल्कुल तैयारी नहीं है। फिर तीसरा जो कॉमनली दिखता है मेल में वो है कि दोष देना, ब्लेम करना अपने पार्टनर को कि तू अट्रैक्टिव नहीं है, तेरे से मैंने शादी नहीं करना था, मैं तो तेरे को चाहता ही नहीं हूँ, या फिर तू कोऑपरेट नहीं करती है, या फिर तूने उस दिन 3 दिन पहले हमने सेक्स किया था तो उसने ऐसा ऐसा किया था तो मुझे अच्छा लगा नहीं, मतलब कुछ ना कुछ कारण निकाल के उसको दोष देना, सामने वाली स्त्री को दोष देना है, उसको गलत ठहराने का है, उसको गलत साबित करने का है, और सारा सा जिम्मेदार तुम हो इस तरह से मानना है और इस तरह से काम करना है। मगर इसे होता नहीं है क्योंकि दोष देना ही है तो, और दोष देने से होता है तो फिर तुम्हें यहाँ बैठे बैठे आपको दोष देता हूँ, देखते हैं क्या होता है, तो कुछ नहीं होगा। तो दोष देने से कुछ होने वाला है नहीं, एक्नॉलेज करो जो प्रॉब्लम है वो, और एक्नॉलेज करके अपना इलाज करो, अपना इलाज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रॉब्लम आप में है ना तो कोई सामने वाले पार्टी में है। थैंक यू वेरी मच।